मूवी की शुरुआत में उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में भेड़ों के एक ट्रक को दिखाते हैं जो दो अमेरिकन लड़कों को छोड़ने के लिए रुकता है। एक का नाम डेविड कैसलर होता है और दूसरे का नाम जैक गुडमैन। जाने से पहले ड्राइवर उनको सड़क पर रहने को कहता है और वो दोनों यॉर्कशायर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये सब उनकी 3 महीनों की यात्रा का हिस्सा होता है जो बाद में इटली में जाकर खत्म होता है। जैक एक लड़की से मिलने की उम्मीद रखता है जिसे वो 8th क्लास में पसंद करता था। अब जैसे ही रात होना शुरू होती है दोनों दोस्त आराम करने और डिनर करने के लिए एक छोटे से गांव में रुकने का फैसला करते हैं। फिर उन्हें वहां एक बार मिलता है जिसका नाम द स्लॉटर लैम्ब है और उसके बाहर सर कटे भेड़े की तस्वीर भी है और ये देखकर उनको थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन फिर वो अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सभी चुप हो जाते हैं और जब तक वो दोनों कुछ खाने के लिए नहीं मांगते सभी उनको घूरते रहते हैं। अब इंतजार करते हुए जैक की नजर दीवार पे बने एक ताले पर जाती है जो जादू टोने में भेड़िया से संबंधित होता है। वो उनसे पूछता है कि उसे यहाँ पर क्यों बनाया हुआ है और ये पूछते ही बार में बैठे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन बार की मालकिन ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि इन्हें ऐसे बाहर निकालना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी एक आदमी उन्हें चुप करा देता है। जैसे ही डेविड और जैक वहां से जाने लगते हैं एक आदमी उन्हें सड़क पर रहने और चांद से सावधान रहने को बोलता है और फिर जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं बाहर मौसम खराब होता है। वहां बैठे लोग उन लड़कों के बारे में बात करने लगते हैं कि शायद उन्होंने उन दोनों को उनकी हत्या के लिए भेज दिया है। वे कहते हैं कि उन्हें सच बताने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दोनों उनका यकीन नहीं करेंगे। फिर कुछ देर बाद वहां भेड़े की आवाज गूंजने लगती है और बार की मालकिन उन लोगों से कहती है कि उनको वापस बुला दो। लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ सुना ही नहीं और इस दौरान डेविड और जैक बारिश में घूमते हुए गलती से सड़क से दूर हो जाते हैं और अब उन्हें भी भेड़े की आवाज सुनाई देने लगती है और वो वापस जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वो गुम हो चुके हैं और तब वो भेड़े की आवाज से जितना दूर हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डेविड गिर जाता है और जैक पर भेड़िया हमला कर देता है और उसे मार देता है और फिर डेविड पर भी हमला कर देता है। भेड़िया सिर्फ उसे नाखून और एक बार खाता है कि इतनी देर में बार में बैठे हुए लोग वहां पहुंच जाते हैं और उस भेड़े को मार डालते हैं। अब बेहोश होने से पहले डेविड एक बिना कपड़े के आदमी को जमीन पर गिरा देखता है जिसे गोली लगने की वजह से खून बह रहा होता है। अब 3 हफ्तों बाद डेविड लंदन के एक अस्पताल में है जिसका ध्यान डॉक्टर जे एस हिश और नर्स एलेक्स रख रहे होते हैं। जब वो बेहोश होता है तो वो तीनों उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट में तो कुछ और ही लिखा जाता है। यहाँ लिखा जाता है कि उस पर किसी पागल ने हमला किया था। फिर जंगल में भागने का सपना देखने के बाद डेविड उठ जाता है और अपने पास एक डॉक्टर और एक अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाले व्यक्ति को देखता है जो उसे बताता है कि उसके और जैक के साथ जो भी हुआ था उसके बारे में उनके परिवार को बता दिया गया है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि जैक मर चुका है वो पागल सा हो जाता है, इसलिए नर्स उसे बेहोशी की दवा दे देती है। लेकिन फिर से बेहोश होने से पहले वो कहता है कि उस पर किसी पागल ने नहीं बल्कि एक भेड़िया ने हमला किया था। फिर कुछ घंटे बाद स्कॉटलैंड यार्ड से 2 जासूस डेविड से कुछ सवाल पूछने आते हैं लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती जब वो कहता है कि उस पर एक भेड़िया ने हमला किया था। यॉर्कशायर की पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों ने कहा होता है कि वो एक आदमी था और इसलिए उन्हें लगता है कि डेविड पर हुए हमले की वजह से उन्हें कोई भ्रम हुआ है या उसने कोई सपना देखा होगा। डेविड को तो ये समझ ही नहीं आता कि वहाँ गवाह कैसे हो सकता है। फिर डॉक्टर हरीश उसको कहते हैं कि हमले की वजह से उसकी याददाश्त पर असर हुआ है लेकिन डेविड कहता है कि उसकी याददाश्त बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी वो अपनी मानसिक स्थिति पर शक करने लगता है और बाद में डेविड को फिर से जंगल में भागने वाला सपना दिखाई देता है और इस बार वो सपने में अपने आप को नंगा जंगल में जंगली जानवरों पर हमला करता हुआ पाता है। फिर जब उसके पास दोपहर का खाना ले जाया जाता है तब वो कहता है कि मैं भूखा नहीं हूँ और खाना खाने से मना कर देता है। नर्स एलेक्स उससे कहती है कि वो उसको खाली पेट दवा नहीं खिला सकती तो एलेक्स उसको जबरदस्ती खाना खिलाती है। जब डेविड दोबारा सोता है उसे एक और सपना दिखाई देता है और इस बार वो जंगल में अपने कपड़े पहनकर भाग रहा होता है कि तभी खुद को अस्पताल के बिस्तर पर देखता है और जब एलेक्स उसकी जांच करने आती है तो उसका चेहरा राक्षस के चेहरे में बदल जाता है। नींद से उठने के बाद वो डॉक्टर हरीश को बताता है कि उसके सपने कभी भी इतने असली नहीं थे जितने कि अब हैं। लेकिन डॉक्टर सिर्फ उसके घाव को देखते हैं कि वो ठीक हो रहा है या नहीं और उसके सपनों को दर्दनाक यादें बताते हैं। फिर डेविड उनसे कहता है कि वो अकेले नहीं रहेगा इसलिए डॉक्टर हैरिस उससे कहते हैं कि वो रात को उसके साथ किसी को जरूर भेजेंगे। फिर शाम के वक्त एलेक्स उसके कमरे में आती है लेकिन जैसे ही डेविड सो जाता है उसे एक और सपना दिखने लगता है और इस बार वो अपने घर में होता है और देखता है कि कैसे कुछ राक्षस जो सैनिक की वर्दी में होते हैं कैसे सभी को मार रहे हैं और घर को आग लगा देते हैं। और फिर जैसे ही वो जागता है तो वो एलेक्स को इस बारे में बताता है लेकिन उसी वक्त एक राक्षस वहीं खिड़की तोड़कर आता है और एलेक्स को भी मार डालता है। अब सुबह होती है और इस बार डेविड सच में जागता है। वो अपना नाश्ता खाने लगता है कि तभी वो चौंक जाता है और उसके सामने जैक का भूत होता है जिसके ऊपर भेड़े के दिए हुए घाव होते हैं। जैक अपने अंतिम संस्कार में आए लोगों के बारे में बताने के बाद उसे बताता है कि
उन दोनों पर वर्वुल्फ ने हमला किया था और अब वो दोनों शापित भी हैं। वो बताता है कि जब तक शाप नहीं हटता तब तक जैक पृथ्वी पर ऐसे ही घूमता रहेगा और दो दिन बाद पूर्णिमा के दिन डेविड एक भेड़िया में बदल जाएगा। वो बताता है कि अगर डेविड लोगों को ना मारे और डेविड खुद मर जाए तो कैसा रहेगा, और इस बात से डेविड बहुत ही परेशान हो जाता है और जैक की बात सुनने से मना कर देता है। वो नर्स को बुलाता है लेकिन जब एलेक्स वहां आती है तो जैक जा चुका होता है। अब डेविड एलेक्स को किस करता है और बताता है कि वो एक वर्वुल्फ है और उसका मरा हुआ दोस्त जैक उससे यहाँ मिलने आया था और वही ये सब बताकर उसको गया है। लेकिन एलेक्स को लगता है कि वो इस बार भी सपना देख रहा होगा और डेविड पर उसकी बात भी मान जाता है। अब डेविड बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। फिर दिखाते हैं कि एलेक्स डेविड को अपने घर में रहने के लिए बुलाती है और वो दोनों घर जाने से पहले घर का कुछ सामान खरीदते हैं। अब घर पहुंचकर एलेक्स डेविड को अपना घर दिखाती है और उसके बाद दोनों एक साथ नहाते हैं और रात को एक साथ सोते हैं। और जब एलेक्स सो जाती है तो डेविड को फिर से बाथरूम में जैक का भूत दिखाई देता है। इस बार ऐसा लगता है जैसे वो सड़ने लगा है। पहले तो जैक उसको चिढ़ाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक नर्स है और उसे फिर से याद दिलाता है कि इससे पहले वो किसी को मारे उसे खुद मरना होगा। अब डेविड खुद को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सच नहीं है, ये सब सपना है। और फिर जैसे ही एलेक्स उठती है और आवाज को सुनकर डेविड के पास जाती है तो वहां देखते हैं कि जैक तो गायब है। वो डेविड की बातें सुनती है जब वो अपनी चिंता के बारे में बात करता है, खासकर जब वो कहता है कि पुरानी फिल्म्स में तो एक वर्वुल्फ को केवल उसको प्यार करने वाला ही मार सकता है। अब एलेक्स उसको दिलासा देती है और बताती है कि शायद वो इसलिए इतना बुरा महसूस कर रहा है क्योंकि वो जैक को बचा नहीं पाया। अब अगले दिन डॉक्टर हैरिस यॉर्कशायर में द स्लॉटर लैम में जाते हैं और डेविड की बताई कहानी के बारे में जांच करते हैं। जब वो बार में बैठे लोगों से सवाल पूछना शुरू करते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जब हैरिस दीवार पर बने तारे के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये पहले से यहाँ पर था जब उन्होंने इस बार को खरीदा था और उन्होंने इसे पारंपरिक सजावट के रूप में ही छोड़ा है। ये देखते हुए कि यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलेगा, हैरिस वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है वो देखता है कि बाहर उसका कोई इंतजार कर रहा है। अब वो आदमी उसको चेतावनी देता है कि डेविड और उसके आसपास के लोग खतरे में हैं। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कहता बार में से एक आदमी बाहर आता है और उसे चुप करा देता है। डेविड के खुद भेड़िया बनने के बाद भी यॉर्कशायर के लोग इस बात को गुप्त क्यों रखते हैं? क्या वो चाहते हैं कि लोग मरे? इस बारे में सोचकर जरा कमेंट करके बताइएगा। अब लंदन में एलेक्स काम पर जा रही होती है इसलिए डेविड बाहर आता है और उसको किस करता है और अलविदा कहता है। फिर वो गलती से घर का दरवाजा बंद कर देता है इसलिए वो खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है एक कुत्ता और एक बिल्ली दोनों उसको देखकर विलन वाला रिएक्शन देती है। और जैसे ही वो अंदर आ जाता है वो शीशे में अपने दांतों की जांच करता है लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं दिखता। फिर वो टीवी देखने, खाने और पढ़ने में कुछ व्यस्त हो जाता है लेकिन फिर भी बोर हो रहा होता है। हालांकि जब रात होती है चीजें कम बोरिंग हो जाती हैं और डेविड का पूरा शरीर जलना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाना शुरू करता है और पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वर्वुल्फ में बदलने लगता है। फिर वो शिकार की तलाश में घर से बाहर निकलता है। उसका पहला शिकार एक जोड़ा होता है जो डिनर के लिए कुछ दोस्तों से मिलने जा रहे होते हैं। डेविड उन्हें बगीचे में पकड़ता है और वहीं मार डालता है। अब बाहर शोर सुनकर घर का मालिक बाहर आता है और भेड़े के जाने के ठीक बाद लाशों को बाहर पाता है। और इस दौरान अस्पताल में हैरिस को डेविड की चिंता हो रही होती है कि वो पता नहीं क्या कर रहा हुआ, इसलिए वो एलेक्स को घर पर कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन जब कोई फोन नहीं उठाता तो हैरिस एलेक्स को यॉर्कशायर में हुई सारी बातें बताता है। इसीलिए इस सब का एक ही मतलब निकलता है कि पूरा समाज हमसे कुछ छुपा रहा है कि वहाँ कुछ तो हुआ है। अब हैरिस का मानना है कि ये सामूहिक उन्माद है और अगर उस सिटी के बाकी सभी लोग मानते हैं कि ये एक वर्वुल्फ का काम था तो जाहिर सी बात है कि सदमे से गुजरने के बाद डेविड का दिमाग भी इस बात पर विश्वास करेगा। और हैरिस को लगता है कि डेविड घर से बाहर ये सोचता हुआ गया होगा कि वो एक राक्षस है और दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहा होगा, इसलिए वो पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। अब एलेक्स कहती है कि डेविड को दिमाग के डॉक्टर की मदद की जरूरत है। यहाँ डेविड अभी भी बाहर होता है और शिकार की तलाश में होता है। वो नदी के किनारे कुछ लोगों को मारता है, फिर एक आदमी पर हमला करके सबवे स्टेशन के अंदर चला जाता है। वो आदमी उससे दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से वो भी मर जाता है। अब अगली सुबह डेविड चिड़ियाघर में भेड़ियों के पिंजरे में बिना कपड़ों के होता है और उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। भेड़िया उसे कुछ नहीं कहते इसलिए वो आसानी से पिंजरे से भाग जाता है और जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। पहले वो खुद को ढकने के लिए एक बच्चे से गुब्बारे चुराता है और इधर उधर भागता रहता है। फिर वो एक बेंच से एक महिला का कोट चुराता है। अब कोट पहनने के बाद वो घर वापस जाने के लिए बस लेता है और रास्ते में लोग उसको बड़ी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। इसी बीच में डॉक्टर हैरिस एलेक्स को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि उसे डेविड के बारे में कुछ पता लगा, लेकिन उसने भी डेविड को कहीं नहीं देखा होता है। अब ये सुनकर हैरिस अखबार लेने जाता है जिसमें पिछली रात को हुई सभी मौतों के बारे में लिखा होता है। जब डेविड वापस घर आता है तो एलेक्स उसको देखकर राहत महसूस करती है। डेविड उसको सारी बात बताता है।
लेकिन एलेक्स को चिड़ियाघर में जागने की उसकी कहानी के अलावा कुछ भी अजीब नहीं लगता। जब डॉक्टर हैरिश फिर से एलेक्स को कॉल करते हैं, वो हैरिश को बताती है कि डेविड वापस आ गया है और वो थोड़ा सा परेशान है और बहुत ही थोड़ा उत्सुक है, लेकिन पागल नहीं है। वास्तव में वो बहुत ही स्पष्टवादी है। हैरिश उसे खबर के बारे में नहीं बताता और उसे डेविड को अस्पताल में लाने के लिए कहता है ताकि वो उसकी देखरेख में रह सके। फिर दोनों अस्पताल जाने के लिए टैक्सी लेते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी ड्राइवर उन्हें कल रात की मौतों के बारे में बताता है और कहता है कि सभी शव कटे फटे हुए हैं। अब डेविड समझ जाता है कि ये उसी की गलती है और वो गाड़ी रुकवाता है ताकि वो पुलिस अधिकारी को ढूंढ सके। लेकिन एलेक्स नहीं चाहती कि वो खुद को पुलिस के हवाले करे क्योंकि उसे नहीं लगता कि डेविड को जेल जाना चाहिए, उसे सिर्फ थोड़ी मदद की जरूरत है। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता। डेविड एक पुलिस वाले को ढूंढता है और उसको बताता है कि उसी ने कल रात लोगों को मारा है, लेकिन वो पुलिस वाला कुछ नहीं करता। फिर डेविड पुलिस और शाही परिवार का अपमान करना शुरू कर देता है जिससे वो गिरफ्तार हो जाए। फिर पुलिसकर्मी डेविड को पागल समझता है और उसको एलेक्स के पास छोड़ देता है और सभी लोगों को भी ऐसा करने को कहता है। और अचानक से डेविड एलेक्स से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और भागने से पहले उसे किस करता है। वो सोचता है कि उससे एलेक्स के आसपास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। अब अस्पताल में हैरिश से मिलने जासूस फिर से आ जाते हैं और बताते हैं कि लैब की रिपोर्ट के हिसाब से हत्यारा कोई जानवर था। वो वादा करते हैं कि डेविड को ढूंढ लेंगे, लेकिन वो इस बात से भी इनकार कर देते हैं कि उसका इसमें कोई हाथ है। अब इस दौरान डेविड अपने परिवार को फोन मिलाता है और बताता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और अब इस सब को खत्म करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अपने अगले कदम के बारे में सोचते हुए उसे जय का भूत एक एडल्ट मूवी थिएटर के बाहर दिखाई देता है जो उसे थिएटर के अंदर बुलाता है। अब डेविड उसके पीछे जाता है और जय कमरे के पीछे बैठा होता है और अपने नए भूत दोस्तों का उससे परिचय कराने से पहले कहता है कि मैंने तुमको वार्निंग दी थी और तुम्हें कहा था। डेविड ने जिस दिन सभी को मारा होता है वो उसके सामने होते हैं और ये जैक के साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि मरने के लिए चाकू से बेहतर तरीका क्या होगा। लेकिन दुर्भाग्य से पूर्णिमा आने से पहले वो सब तय नहीं कर पाते कि डेविड को कैसे मारना चाहिए और वो फिर से बदलना शुरू कर देता है और फिल्म देखने आए लोग उसका शिकार हो जाते हैं। और जब शोर सुनकर एक आदमी जांच करने आता है वो भी मर जाता है। थिएटर के दरवाजे के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगती है जब टिकट देने वाली महिला चिल्लाने लगती है कि यहाँ कोई है, और तभी जल्दी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। और एक पुलिस वाला इमारत के अंदर जाता है और देखता है कि भेड़िया लोगों को खा रहा है। वो इमारत से बाहर निकलता है और दरवाजे को नीचे खींचने के लिए मदद करने को कहता है और फिर अधिक अधिकारी मदद करने के लिए आते हैं जिनमें जासूस भी शामिल होते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने दरवाजा पकड़ा हुआ है डेविड उन सभी से बहुत ही शक्तिशाली है। भेड़िया दरवाजा तोड़ देता है और जासूस को मार के वहां से भागने लगता है जिस वजह से बीच रास्ते में बहुत सारी कार्स एक दूसरे से टकरा जाती है। अब अस्पताल में हैरिश इस घटना के बारे में सुनता है और एलेक्स को बताता है जो फटाफट डेविड की मदद करने के लिए दौड़ती है। वो फिर पुलिस का पीछा करके उसको ढूंढती है जिन्होंने भेड़िया को एक गली में घेर लिया होता है। एलेक्स को अभी भी विश्वास होता है कि डेविड की वो मदद कर सकती है, इसलिए वो भेड़िया के करीब जाती है और उसे बताती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और डेविड उस पर झपट जाता है और पुलिस उसके हमला करने से पहले उसको गोली मार देती है। अब एलेक्स भेड़िया को वापस इंसानी रूप में लौटते हुए देखती है और वो जमीन पर ही नंगा मर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।